ऑल आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट हेल्दी एंड सेफ। टुडे वी बिगिन द चैप्टर 8 दैट इज एयर एंड वाटर। हवा और पानी दोनों चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। हमें दोनों चीज़ों की नीड होती है, इनके बिना हम सर्वाइव नहीं कर पाते, जिंदा नहीं रह सकते हैं, सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द चैप्टर विद द लेट्स वार्म अप एक्टिविटी। ठीक है, सो लेट्स वार्म अप। टेक द थिंग्स दैट नीड एयर। जो चीज़ों को एयर की नीड है उन्हें आपको टिक करना है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं कि फुटबॉल में एयर की नीड होती है, उसके अंदर एयर फिल होती है, तो इसे आपको टिक करना है। ये बुक है, बुक को एयर की नीड नहीं होती है। काइट को एयर की नीड होती है, तो इसे आपको टिक करना है। बैट को नहीं होती है, तो इसे टिक नहीं करना है। क्लॉक को भी टिक नहीं करना है, और ये वाले बॉल में भी गैस होती है, एयर होती है, तो इसे भी टिक करना है। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका एयर। सो लेट्स बिगिन। एयर इज़ ऑल अराउंड अस। एयर हमारे चारों तरफ प्रेजेंट होती है, हम इसे फील कर सकते हैं, हम इसे देख नहीं सकते हैं। ठीक है, जब हम ट्रीज़ के नीचे जाते हैं तो फिर हम फील करते हैं ठंडी ठंडी हवा को। ठीक है, जो पता चलता है जिसकी वजह से कि एयर प्रेजेंट है, एयर है। ठीक है, एयर की प्रेजेंस हम लोग फील कर लेते हैं। जब एयर होती है, नहीं होती है, तो हम लोग के गर्मी लगती है। वी यूज़ एयर फॉर लॉट्स ऑफ थिंग्स इंक्लूडिंग ब्रीथिंग। हम लोग एयर की वजह से बहुत सारे काम करते हैं और सांस भी लेते हैं। जेंटली मूविंग विंड इज कॉल्ड ब्रीज। जो धीमे धीमे चलने वाली हवा होती है उसे ब्रीज कहते हैं, और जो तेज़ चलने वाली हवा होती है उसे स्टॉर्म कहते हैं, आंधी कहते हैं। ठीक है, ब्रीज जो है वो प्लीजिंग होती है, अच्छी लगती है, और स्टॉर्म जो होती है वो हार्मफुल होती है। ठीक है, वो ख़तरनाक होती है और नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, उसकी वजह से बहुत सारे पेड़ गिर जाते हैं, जैसे कि आप पहले वाले में देख सकते हैं कि वो रूट से उखड़ गया है पेड़। ठीक है, वो किसकी वजह से? स्टॉर्म की वजह से। अ स्टॉर्म कैन अपरूट ट्रीज। वो अपरूट ट्रीज कर सकती है, रूट को उखाड़ सकती है, और डैमेज प्लांट्स को डैमेज कर सकती है। दूसरी वाली इमेज में आप देख सकते हैं, बैंक डोर्स एंड विंडोज़ एंड ब्लो ऑफ द रूफ ऑफ द हट्स। वो हट्स की झोपड़ियों की छतों को भी उड़ा ले जाती है, डोर्स विंडोज़ को भी उड़ा ले जाती है, गिरा देती है, तोड़ देती है। ठीक है, स्टॉर्म जो होती है हार्मफुल होती है। जो एयर की लेयर होती है उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, जो लेयर होती है एयर की, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होता है जिससे हम घिरे हुए हैं, जिससे हमारी अर्थ घिरी हुई है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, हमारी अर्थ एयर से घिरी हुई है, उसे एटमॉस्फेयर बोलते हैं। अबाउ द एटमॉस्फेयर इज़ वास्ट एम्प्टी स्पेस, देयर इज़ नो एयर इन स्पेस। एटमॉस्फेयर के ऊपर बहुत बड़ा खाली स्पेस है जहाँ पर एयर नहीं है। सो इट्स इनफ फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओके।